पर रोकने का प्रयास करने के बजाय इसको पारित करें। तीन तलाक, अगर आपको लगता है कि तीन तलाक के विषय पर आप जिस प्रकार का कानून चाहते हैं, किसने रोका था आपको? 30 साल पहले मामला आपके हाथ में आया था, आपको जैसा चाहिए बनाना था, करना तो था, लेकिन आपकी राजनीति, आप ही के एक मंत्री का भाषण था हाउस में, तीन तलाक क्यों जाना चाहिए? लेकिन जब चारों तरफ से आवाज उठी, राजनीति आई, वोट बैंक खतरे में पड़ गया और अचानक से उस मंत्री को भी जाना पड़ा और उस मिशन को भी जाना पड़ा। और इसलिए और जो कारण दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के हर क्रिमिनल कानून के अंदर जहां सजा है, जो लॉजिक दे रहे हैं लागू हो सकता है कि भाई उसने किसी की हत्या की, घर का इकलौता बेटा है, 30 साल की उम्र है, बूढ़े माँ बाप है, अब उसको जेल जाने का कानून क्यों बनाया? बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे? हिंदू दो शादी करें, वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो, तब आपको विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे? है सजा? और इसलिए मैं नहीं मानता हूं, कोई भी इसको अध्ययन करेगा तो उसको आश्चर्य होगा कि आप किस बात की बात कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है शायद हमारे नरेश जी ने बड़ी हमदर्दी दिखाई थी कि वो चीरहरण कर रहे थे, वो तो कहना कठिन है, लेकिन बहुत कुछ कह रहे थे। भय, जेल, हम तो भुक्त भोगी हैं, 15 साल तक तुलसी जी बैठे हैं, 15 साल तक क्या कुछ जेला है हमें मालूम है। लेकिन कानून का काम करे कि ना करे, और आप यहां कहे किसी के बेटे को फंसाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, ढिकना कराई किया जा रहा है, और क्या मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें करना कानून का उपहास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कानून तय करेगा क्या होगा। और इसलिए मुझे जब आप कहते मदद करो, ऐसे से मदद करो, एक कवि दुष्यंत कुमार की कविता के शब्द है, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। महिलाओं पर अत्याचार,